हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्किल्स। इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट ए मॉडल ऑक्सिलरी कैन। कैन मींस हो सकता है, नहीं हो सकता है। कैन इज यूज फॉर एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता। सुनील कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सुनील प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, हम इंग्लिश समझ सकते हैं। शी कैन रीड उर्दू, वो उर्दू पढ़ सकती है। दीस आर ऑल मेंटल एबिलिटीज, मानसिक क्षमता। नेक्स्ट कम्स फिजिकल एबिलिटी, और वी से फिजिकल कैपेसिटी, शारीरिक क्षमता। आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ। शी कैन कुक फूड, वो खाना पका सकती है। शी कैन डांस सालसा, वह सालसा नृत्य कर सकती है। सो दीज आर फिजिकल एबिलिटीज, शारीरिक क्षमता। कैन वी ऑल्सो यूज फॉर परमिशन, इजाजत। कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे हम किसी से इजाजत ले रहे हैं। कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। कैन आई कम एन आर लेट टुमारो, क्या मैं कल एक घंटा लेट आ सकता हूँ। दीस आर ऑल परमिशन, यहाँ पे हम इजाजत ले रहे हैं कुछ करने की। दूसरा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट और परमिशन में ये डिफरेंस होता है कि परमिशन में हम इजाजत लेके कुछ काम करते हैं और रिक्वेस्ट में हम सामने वाले से काम करवाते हैं। उस काम करने के लिए हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। कैन यू गिव अस लिफ्ट, क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हो। कैन यू डू मी ए फेवर, क्या आप मुझ पर एक मेहरबानी कर सकते हो। कैन यू रीड दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए यह पढ़ सकते हो। कैन यू होल्ड दिस फॉर ए वाइल, क्या आप कुछ समय के लिए यह पकड़ सकते हो। हियर एवरीथिंग वी आर रिक्वेस्टिंग द पर्सन टू डू, यहां पे हम दूसरे को ये सब करने के लिए कह रहे हैं। और कुछ एग्जांपल, जैसे यू कांट डू बिजनेस, आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। कर सकना और नहीं कर सकने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। सिन कैनॉट बी हिडन, पाप छुपाया नहीं जा सकता है। दिस प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व बाय हिम, ये समस्या उसके द्वारा सॉल्व नहीं की जा सकती है। आई कैन कम टुमारो, मैं कल आ सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आई कैनॉट बाथ विथ कोल्ड वाटर, मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकता हूं। क्वेश्चन टाइप में कैन यू कम विथ अस, क्या आप हमारे साथ आ सकते हो। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप ये बक्सा उठा सकते हो। वेन कैन वी मीट, हम कब मिल सकते हैं। हाउ कैन ही हेल्प अस, वो हमारी मदद कैसे कर सकता है। वेयर कैन वी फाइंड इट, हम इसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। हु कैन एक्सप्लेन दिस, कौन समझा सकता है। कैन कैंसर बी क्यूर्ड, क्या कैंसर ठीक किया जा सकता है। नाउ दिस वर ऑल कैन सेंटेंसेस। सो कैन कैन बी स्पोकन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड जनरली व्हेन वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, द ऑक्सिलरी कैन डज नॉट चेंज द पोजिशन। नाउ सी, इन एक्टिव वॉइस द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट
auxiliary, verb and object. In passive voice, the structure is object, auxiliary, be, then verb third form, and then by the subject. Like Sunita can speak French. So Sunita is the subject, can auxiliary, speak is the verb, and French is the object. Now we will, French will come in front, and then auxiliary, then be, spoken verb third form by Sunita. So Sunita can speak French is transformed to French can be spoken by Sunita. Sunita French bol sakti hai, French Sunita ke dwara bola ja sakta hai. So this is the passive voice. For interrogative forms, question types, auxiliary, subject, verb, object and question mark. And for passive voice, auxiliary, object, be, verb third form and then by the subject. Can you sing song? Kya aap gana ga sakte ho? Can song be sung by you? Kya gana aapke dwara gaya ja sakta hai? Where can we find it? WH type question. Where can we find it? Hum ise kahan pa sakte hain? Where can it be found by us? Ye hamare dwara kahan paya ja sakta hai? So, active and passive voice. Now we will learn some more examples. Mrs. Nair can stitch her own clothes. Mrs. Nair apne kapde khud sil sakti hai. Her own clothes can be stitched by Mrs. Nair. खुद के कपड़े मिसिस नायर द्वारा सिले जा सकते हैं. जॉन कैन डू एवरीथिंग. जॉन सब कुछ कर सकता है. एवरीथिंग कैन बी डन बाय जॉन. सब कुछ जॉन के द्वारा किया जा सकता है. मिस्टर रमेश कैन नॉट ड्राइव द कार. रमेश कार नहीं चला सकता. कार कैन नॉट बी ड्रिवन बाय मिस्टर रमेश. कार रमेश के द्वारा नहीं चलाई जा सकती. Here you see the auxiliary does not change the position. Can is in the second position, so it will always be in the second position. Whether it is can or cannot. Auxiliary अपनी ही जगह पे रहती है. First position पे होगी तो first पे रहेगी, second पे होगी तो second पे रहेगी. सुरेश can play badminton. सुरेश badminton खेल सकता है. बैडमिंटन कैन बी प्लेड बाई सुरेश. बैडमिंटन सुरेश के द्वारा खेला जा सकता है. ही कैन स्पीक इंग्लिश इफ ही ट्राइज. वो इंग्लिश बोल सकता है अगर कोशिश करेगा. इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम इफ ही ट्राइज. अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जा सकती है अगर वो कोशिश करेगा. कैन इन क्वेश्चन टाइप्स, क्वेश्चन टाइप वन एंड क्वेश्चन टाइप टू. क्वेश्चन टाइप वन इज where we start the sentence with can. Can you give this book to my sister? Kya aap ye kitab meri behan ko de sakte hain? Can this book be given to my sister by you? Kya ye kitab meri behan ko aapke dwara di ja sakti hai? So whenever the sentence start with kya, then it is question type 1. Can she write a letter? Kya wo khat likh sakti hai? Can a letter be written by her? क्या खत उसके द्वारा लिखा जा सकता है? Can the bird build their nest? क्या पक्षी अपना घोंसला बना सकते हैं? Can the nest be built by the bird? क्या पक्षी द्वारा अपना घोंसला बनाया जा सकता है? WH type question. Why can't she write her own poetry? वो अपनी खुद की कविता क्यों नहीं लिख सकती? Why can't poetry be written by her? कविता उसके द्वारा क्यों नहीं लिखी जा सकती? How can we help them? हम उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं? How can they be helped by us? उनकी मदद हमारे द्वारा कैसे की जा सकती है? So, this was the auxiliary can. हो सकता है और नहीं हो सकता है. क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है?
और कब कहाँ क्यों कैसे ऐसे हो सकता है और कब कहाँ क्यों और कैसे ऐसे नहीं हो सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू राइट ए कमेंट एंड गिव ए लाइक टू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई